Assalamualaikum to another video lecture of our data engineering playlist। आज हम इसी सेल्स डाटा के ऊपर, जो कि हमने लास्ट उसमें हमने डाटा को एनालाइज किया था एड हॉक बेसिस पे। एज अ कंसल्टेंट हमारे पास चीज़ आई थी, हमने खुद उसको देखा और फिर हम KPIs लेके गए कि भाई ये मैंने एनालाइज किया। फिर हमें और आगे से और फीडबैक्स मिलेंगे, अच्छा अब ये करके दिखा दो, अच्छा अब ये, अच्छा अब ये। इसी तरीके से अब हमारे पास एक फाइल आई है, अब हमने देखना ये है इसी फाइल को। अब हम लास्ट टाइम हमने डेटा एनालिस्ट के तौर पे उस पर्सपेक्टिव से इस फाइल को देखा था, आज हम डेटा इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से इस फाइल को देखेंगे, ठीक है। तो हमारे टेबल का नाम क्या था? सेल्स डाटा। अच्छा मैं नई क्वेरी खोल लेता हूँ, नई क्वेरी मैं खोल लेता हूँ। सबसे पहले तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम सेल्स डाटा, टेबल का नाम है ना, सबसे पहले DBO सेल्स डाटा। ओके अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसको सोर्स को चेंज किए बगैर इसको डुप्लीकेट कर लूँ। तो कैसे करूंगा डुप्लीकेट? मैंने आपको बताया था इनटू करके भी कर सकता हूं मैं, और एक और तरीका भी है, क्रिएट टेबल सेल्स डेटा ETL एस ओके। मेरे ख्याल है ये, एक मिनट, इसके अंदर नहीं, ये माई सीक्वल में चलेगा। ये असल में हम भी किसी व किसी उस पर काम कर रहे होते हैं, किसी व किसी उस पर। खैर दूसरा जो सीक्वल का फ्लेवर है, शायद वर्क बेंच में है या बिग डेटा या बिग क्वेरी में, सीक्वल में। तो हम लिखते हैं क्रिएट टेबल सेल्स डेटा और लिखते हैं एज, नीचे हम सिलेक्ट की कमांड लिख देते हैं। तो सिलेक्ट की कमांड से एज इट इज स्कीमा के साथ, इंडेक्सेस के साथ, सारी चीज़ों के साथ एक नए टेबल में आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल में कैसा है? माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल में ऐसा है जैसे मैंने लास्ट उसमें दिखाया था आप लोगों को, लास्ट सेशन में दिखाया था। सिलेक्ट ऑल इनटू, इधर मैंने ये लिख दिया और बता दिया कि यहाँ से लेकर आ जाओ, क्योंकि इस टेबल के ऊपर हम अपने ETL के सारे काम कर रहे होंगे, इसी टेबल के ऊपर कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और अब हमारा एक टेबल बन गया है, ठीक है। इधर हम देख लेते हैं, इस टेबल में आके मैंने रिफ्रेश किया सेल्स डाटा ETL, ठीक है। अच्छा मैं आपको पूरी पाइपलाइन नहीं दिखा रहा, पाइपलाइन में क्या होता है कि CSV फाइल्स वहाँ पे हैं, एक लूप बनता है क्या नाम है अजो डेटा फैक्ट्री पे, या SSIS पे, या डेटा ब्रिक्स की नोटबुक्स बनती हैं। मैं वो अभी ऑर्केस्ट्रेशन नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं आपको वो बस कोर की वो बात बता रहा हूँ कि ETL स्क्रिप्ट्स यही होंगी, ऑर्केस्ट्रेशन का काम अलग से होता है। पाइपलाइन की को सोर्सिंग डिसाइड करना, कनेक्शन पॉइंट बनाना कि यहाँ से आएंगी फाइल, यहाँ से उठाओगे, इस DB में पेस्ट डालोगे और ये स्टोर प्रोसीजर को चलाओगे। तो वो जो स्टोर प्रोसीजर चलेंगे, जो ब्रेन है, मैं वो चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ। बेशुमार वीडियोस वैसे तो इनकी भी मौजूद हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वो भी पूरी एक एंड टू एंड साइनएप्स पे या डाटा ब्रिक्स पे या अजो डाटा फैक्ट्री पे बना के दिखाऊं, तो इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। खैर अभी हमारे पास ये टेबल रेडी हो चुका है, हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कर लेते हैं, यहाँ से हटाते हैं इसको, और क्योंकि अब हम इस टेबल को यूज़ करेंगे, बस हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा जी मैंने इसका एक वो बना लिया। अच्छा मैंने गलती कर दी, मुझे ETL को शुरू में लिखना चाहिए था, ताकि चलो आप जो बनेंगे उनको मैं शुरू में लिख दूंगा, ठीक है जी। देखते हैं कि क्या कर सकते हैं अब हम इसमें। हम ये देखते हैं हमारे पास प्रोडक्ट कोड है। ओके जी चलो जी प्रोडक्ट कोड को लेते हैं हम, पहले तो यूनिक प्रोडक्ट कोड निकालते हैं।
EXTRACT एक्सट्रैक्ट UNIQUE यूनिक प्रोडक्ट कोट, ठीक है। और हम लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट PRODUCT प्रोडक्ट कोट फ्रॉम दिस टेबल। देखते हैं कि ये हमारे पास डिस्टिंक 109 है, और मैं डिस्टिंक हटाऊं अगर तो कितने हैं भैया ये। ओके 2823 रॉज हैं, और अगर मैं डिस्टिंक लेता हूं ना तो ये मुझे बता रहा है ये मेरे पास। अच्छा ये जो मेरे पास है ना, ये मैं फर्दर एनालिसिस के लिए इसको एक पार्क करके रख सकता हूँ कि मेरे पास यूनिक प्रोडक्ट कोड्स ये हैं। जब हम फैक्ट्स और डायमेंशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट कोड का मास्टर डाटा आ गया एक तरीके से, कि ये मेरे पास। अच्छा मेरे पास क्योंकि फिलहाल और चीज़ें नहीं हैं अवेलेबल इस प्रोडक्ट कोड की, और डिटेल नहीं है, लेकिन अज्यूम करें इस प्रोडक्ट कोड के साथ प्रोडक्ट का नेम होता, इसकी कोई दूसरी डायमेंशन, इसकी हाइट विथ, ये सारी चीज़ें होती, और अल्लाह आपका भला करे हाइट विथ हो गई, इसकी किस एरिया से आती है, कौन से प्लांट पे मैन्युफैक्चर हो रही है, अगर मेरे पास ये मास्टर इन्फॉर्मेशन होती तो एक मास्टर टेबल नहीं बन जाता मेरा, 109 रॉस का मास्टर टेबल एक बन जाता जो कि मेरी ट्रांजैक्शन टेबल में यूज होता है, जिसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 2823 रिकॉर्ड्स हैं, जिसके अंदर 2823 रिकॉर्ड्स हैं ट्रांजैक्शंस के, और मेरी जो ये बन रही हैं मास्टर टेबल बन रहा है, अज्यूम कर लें 10-12 कॉलम्स और हैं इसमें मास्टर डेटा से रिलेटेड, वो 109 कॉलम है, 109 रिकॉर्ड्स हैं, 109, यानी ये ही वो 109 रॉज हैं जो बार बार रीयूज हो रही हैं और डुप्लीकेट हो रही हैं इसके अंदर सेल्स डाटा में, कि भाई ये प्रोडक्ट कोड का ऑर्डर इस मुल्क से आया था ऑस्ट्रेलिया से, पर इसी प्रोडक्ट कोड का ऑर्डर जर्मनी से भी आया, इसी प्रोडक्ट का ऑर्डर फलां से भी आया, तो अब मुझे ये एनालिसिस करने में, एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी कि मुझे कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कितनी प्रोडक्शन करनी है अपनी इन प्रोडक्ट्स की। तो एक तो ये आप क्योंकि अभी मेरे पास और डाटा नहीं है तो मैं इसको खैर कर लेता हूं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट कोड इनटू। अच्छा यार ये मुझे सही नहीं लग रहा, इसको मैं और एक डमी वो दे देता हूं, अच्छा इसमें डबल कोट नहीं होता, सिंगल कोट होता है इसमें, प्रोड्यूस प्रोडक्ट नेम, ठीक है एक कॉलम ये हो गया, प्रोडक्ट प्रोडक्ट वेट, ठीक है प्रोडक्ट हाइट, ठीक है एक्सट्रैक्ट यार हाइट की स्पेलिंग HEIGHT है, जी के बाद HT, हाइट हो गया, ठीक है हाँ चेक कर लूँ, ये सही आ भी रहे नहीं आ रहा। ओके एज नेम एज प्रोडक्ट हाइट एज फला, ठीक है चलें जी। मेरे पास एक प्रोडक्ट कोड आ गया, उसका नेम, उसका हाइट, ये मैंने डेमो डाले हैं सिर्फ बनाने के लिए कि मेरे पास एक ये डायमेंशन टेबल बन रहा है, मतलब मास्टर मास्टर डेटा टेबल बन रहा है, ठीक है। इनटू इनटू अब मैं टेबल का नाम दूंगा ETL करके अंडरस्कोर यूनिक प्रोडक्ट्स,
सी टी एस प्रोडक्ट्स, ठीक है। एक तो मेरे पास ये टेबल बन गई, एक तो मेरे पास ये बन गई,